यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया का हाईएस्ट लेवल का एग्जाम एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड एग्जाम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. सुनने में ही इतना एस्टोनिशिंग लगता है. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर अजहरुद्दीन काजी. तो आइए बात करते हैं सर से रिलेटेड, इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहा एक कॉमन स्टूडेंट से लेकर एक आईएएस ऑफिसर तक का जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, वो किस तरह से रहा वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो सर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत 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 सारे फेलिसिटेशंस आपके हुए हैं और दुआ हमारी यही है कि आगे भी कई और फेलिसिटेशंस का मौका अल्लाह ताला आपको दे. तो चलिए सर शुरू करते हैं. मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जब जो इंडियन सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पर अक्सर ये रहता है कि पैदाइश से ही एक तरह का इन्फ्लुएंस चालू हो जाता है कि यस आपको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है. सो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो आपने डिसीजन लिया, सो वॉज इट योर ओन डिसीजन और इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई योर फैमिली और समवन एल्स, किसी और ने आपको काउंसिल किया था? जी, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला जो डिसीज़न था वो तो एक्चुअली बहुत कम उम्र में ही मैंने ले लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन ये मेरा अपना डिसीज़न नहीं था. ऑब्वियसली मैं उस वक्त बहुत ही, मेरी कम उम्र थी, तो 2006 की ये बात है जब मेरा 12th में डिस्ट्रिक्ट में रैंक आया था कॉमर्स स्ट्रीम में. तो मेरे बहुत सारे फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुए थे, जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार जो प्रोग्राम हुआ था वो ज़िले के उस वक्त के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस अब्दुल रहमान साहब के हाथों हुआ था. और पहली बार मैंने जो है किसी आईपीएस को देखा था और मेरे अंदर में जो है सिविल सर्विसेज करने की तमन्ना जागी थी. तो ये मेरा शुरू से जो था, मेरे फादर भी जो है इस तरफ उनका रुझान रहा था, क्योंकि उनकी भी कई मुलाकातें एडमिनिस्ट्रेशन से उस वक्त हुआ करती थी. तो मेरे फादर ने एम्फोसाइज किया था कि तुमको जो है ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विसेज करना है. लेकिन 12th के उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद में जब मेरा फेलिसिटेशन हुआ तो मेरे अंदर भी ये तमन्ना जागी थी. माशाल्लाह. सर एक क्वेश्चन अब यहीं से मेरा अराइज होता है. आपने ये कहा कि 12th के रैंक के बेस पे आपने ये डिसीजन लिया था. सो 10th के बाद अक्सर अभी तक के टिल नाउ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, कब इम्प्लीमेंट होती है उसका इंतज़ार रहेगा. सो 10th के बाद में हम जनरली अपनी स्ट्रीम्स को डिसाइड करते हैं, साइंस या कॉमर्स. तो 10th के बाद में कॉमर्स लेने का आपने डिसीजन किन बेसिस पे लिया था? असल में 10th के बाद में कॉमर्स का जो डिसीजन है वो भी मेरा अपना डिसीजन नहीं था, वो एक फ्लो के साथ में मुझे बहना पड़ा था, यूँ कहें तो ज़्यादा बेहतर है. 11th में मेरी चूँकि स्पोर्ट्स लाइफ भी रही है, तो मैं 11th में मेरा सिलेक्शन क्रीड़ा प्रबोधिनी में हुआ था. क्रीड़ा प्रबोधिनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए स्कीम चलाई गई है, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है. पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 13 ऐसे सेंटर्स है जहाँ पर मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो बड़े कॉम्पिटिशन जो नेशनल लेवल के और ओलंपिक्स के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसके लिए तैयार हो सकें. तो मेरा भी सिलेक्शन इस तरह एक सेंटर में नागपुर में हुआ था. और उस वो जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का स्पोर्ट्स पर्सन का, तो उसमें एक वाइवा होता है. तो वाइवा में मुझसे पूछा गया था कि आप क्या परस्यू करना चाहेंगे आगे, कौन से स्ट्रीम में. तो मैं शुरुआत से एकेडमिक में भी अच्छा रहा था, तो मेरा रुझान भी साइंस था जैसे दीगर तलबात का होता है. लेकिन उस वक्त मुझे ये कहा गया कि साइंस में जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आप जो है अपनी स्पोर्ट्स लाइफ के साथ में एकेडमिक्स में भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाए. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो है कॉमर्स ले सकते हैं या तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा एक स्पोर्ट्स और एकेडमिक का जो बैलेंस है वो बनाने की के हिसाब से. तो इस तरह से मुझे कॉमर्स चुनना पड़ा. सो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अप टिल 10th स्टैंडर्ड, SSC स्टैंडर्ड तक आप स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और आप मतलब कहीं ना कहीं उसमें आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते थे या उसमें अपनी पहचान बनाना चाहते थे. जी, SSC तक तो था ही, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली 12th तक एंगेज रहा हूँ. 12th में भी इनफैक्ट मैंने नेशनल खेला है और उसके साथ में मेरे डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स में रैंक भी आई है. तो एक अच्छा बैलेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12th में भी मेंटेन किया है.
उसके अलावा जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन में भी मैंने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेली है। मैं अमरावती यूनिवर्सिटी से कलर कोट हूँ हैंडबॉल। माशाल्लाह। एक अनप्लान्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि हमारी बात चल रही है, आपने कहा कि आप ट्वेल्थ में स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे और बावजूद उसके आपने ट्वेल्थ में मेरिट रैंक अचीव किया जी। आप ये बैलेंस किस तरह मेंटेन कर पाए? शुरुआत से जो था सब कुछ चीज़ें प्लान करने की मुझे आदत थी और मैं छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए सेट करता था। उसी तरह मैं डेली बेसिस के ऊपर मैं अपना एक टाइम टेबल बना लिया करता था कि मेरे स्टडी आवर्स इतने होंगे और उसके अलावा मैं खेल पर इतना टाइम दूंगा। तो इस तरह से मैंने मैनेज किया है चीज़ों को। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मतलब उससे पहले ये मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा वो मूवमेंट था जिसको हम कहते हैं ना द मूवमेंट ऑफ लाइफ, जहाँ पर आपने बस ये डिसाइड कर लिया कि अब यही एक काम करना है, बस अब आईएएस की ही तरफ जाना है, सिविल सर्विसेज की ही तरफ जाना है, वो कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ का? जी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फर्स्ट ईयर मेरा जो ग्रेजुएशन का हुआ वो पुणे से हुआ है। गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन पुणे यूनिवर्सिटी एज फार एज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। तो 12वीं की रैंक के हिसाब से मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, उस कॉलेज में मुझे अलॉटमेंट मिला था। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें मेरे साथ थी, तो मुझे यवतमाल आना पड़ा। तो मेरा सेकेंड और थर्ड ईयर मैंने साथ में एक जॉब के साथ में मैंने पढ़ाई की है। वो जो सेकेंड और फाइनल ईयर था, उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि चूंकि मैं अपने घर में बड़ा हूँ तो मुझे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए आगे की जो हमारी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करना है, हायर एजुकेशन लेना है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से। और मैंने ये सोचा कि अगर मुझे जॉब लेनी है आफ्टर ग्रेजुएशन तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है एक बेहतरीन उसका ज़रिया है, और मुझे जो है फुल फ्लेजली जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ में ध्यान देना चाहिए। और तभी से मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज की तरफ फुल फ्लेज बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें भी कई सारी दिक्कतें आई, चूँकि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली, और इंडिया का तो ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है ही। इसमें कई मरतबा कई कैंडिडेट्स के केस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें लग जाता है। मेरे साथ भी इनिशियली यही हुआ, 2010 और 11 में मैंने जब अटेम्प्ट किया तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको कम टाइम में नहीं कर पाऊँगा और मुझे ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन मेरे फाइनेंसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे फैमिली के, और मुझे फैमिली को सपोर्ट भी करना था, तो एज अ लो हैंगिंग फ्रूट मैंने जो है बैंक की जो है जॉब इख्तियार की। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दौड़ में आपको हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपने उसमें फर्स्ट स्टेप क्या लिया? जो कॉम्पिटिटिव की तरफ था वो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहा? मतलब क्या आपने कोई इंस्टीट्यूट प्रिफर किया उसके लिए, या आपने सेल्फ स्टडी उसके लिए स्टार्ट किया, सेल्फ मोटिवेट होकर आपने मटेरियल गैदर करना स्टार्ट किया, किस तरह से बिगिनिंग किया? जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज की इम्तिहान की तैयारी करना है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की कि मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि उस वक्त गाइडेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, और ख़ास करके हमारे जैसे जो यवतमाल से या इस तरह के रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए गाइडेंस की उस वक्त बहुत ज़्यादा कमी थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंटरनेट पर हर सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैं उस वक्त मुझे जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर एक स्कीम चलाई जाती है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ SC ST जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए ट्रेन किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चूंकि मैं प्राइवेट कोचिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो तो बेयर नहीं कर सकता था, तो मैंने किसी भी तरह की प्राइवेट कोचिंग इस दौरान में नहीं ली, और मैं सीधे हमदर्द स्टडी सर्कल गया। हमदर्द स्टडी सर्कल का मैंने एक इम्तिहान दिया, वहाँ पर 50 सीटें हुआ करती थी उस वक्त ऑल ओवर इंडिया, उसका एक टेस्ट होता था, और बाकायदा एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मेरा वहाँ पर दाखिला हुआ। और हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया हमदर्द,
ये जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हुए हैं जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, यहाँ के रिसोर्सेज से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो ये जो आपका जो पूरा प्रोसीजर हुआ, ये ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या उसके बाद की बात है? ये ग्रेजुएशन की बात है। 2009 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 2010 में मैं दिल्ली गया। तो क्या ग्रेजुएशन के दौरान में आप यूपीएससी की तैयारी करते थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे? नहीं, ग्रेजुएशन जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा फर्स्ट ईयर पुणे से हुआ और उस वक्त माली दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो सेकेंड और फाइनल ईयर मुझे ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब करनी पड़ी और ये दोनों साल मैंने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस में बतौर एग्जीक्यूटिव काम किया। अच्छा, सो जब आप एक मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, क्या उस वक्त भी आपके जहन में ये बात थी कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसके लिए प्रिपेयर रहना है या कभी ना कभी आप उसके लिए अपियर होंगे? जैसा कि मैंने बताया, ट्वेल्थ के बाद ही जब मेरी मुलाकात आईपीएस अब्दुलरहमान साहब से हुई थी, तो मेरे दिल में एक तरह का जज्बा जागा था सिविल सर्विसेज को लेकर, लेकिन चूंकि सिविल सर्विसेज का इम्तिहान के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो मैंने अपना सारा ध्यान ग्रेजुएशन और अपने फैमिली को सपोर्ट करने पर ही खर्च किया। और जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद में और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुझ पर बढ़ गई। मुझे जल्द से जल्द किसी जॉब को ज्वाइन करना था ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, और इसके लिए सिविल सर्विसेज या दूसरे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम मेरे लिए बेहतरीन वसीला मुझे ऐसा लगा कि हो सकते हैं।